हेलो दोस्तों, मैं आपको एक हिकविजन DVR के अंदर किस तरह से हम लोग ईमेल आईडी का सेटअप कर सकते हैं मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो थोड़ा सा भी आप जो है स्किप मत कीजिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले हमें एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, क्योंकि वही ईमेल आईडी हमें DVR के अंदर डालनी है। यहाँ से जो है पहला स्टेप हमें जीमेल आईडी अपना क्रिएट करना है। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और एक यहाँ पे जो है अकाउंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐड अनदर अकाउंट में चले जाते हैं, नीचे की तरफ में क्रिएट अकाउंट कर देते हैं, क्योंकि एक अकाउंट हम लोग नया क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे जो है अपना नाम देना बहुत जरूरी है, मैं CCTV कर लेता हूँ इसको। जो सेकेंड नेम है उलमान कर लेता हूँ, यानी कि मेरा जो जीमेल आईडी है CCTV उलमान के नाम से नए क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है देने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ में नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए। तो एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। नीचे की तरफ में जो है जनरल देना बहुत ज़रूरी है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से मेल है या फीमेल है देख के यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैं चूज़ योर ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से ईमेल एड्रेस चूज़ कर लीजिए या क्रिएट कर दीजिए। मैं यहाँ पे cctvulman87@gmail.com इसको चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमें उस जीमेल का पासवर्ड डालना है, यानी कि क्रिएट करना है एक जीमेल का पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल का पासवर्ड क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ से कन्फर्म पासवर्ड में भी वही डालना होता है जो हमने ऊपर डाला होता है। यहाँ से देने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट करने के बाद में रिकवरी के लिए एक ईमेल पूछेगा, यहाँ से आप ईमेल दे भी सकते हैं या डायरेक्टली स्किप कर देंगे तो स्किप हो जाएगा। तो यहाँ से जो है स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें फ़ोन नंबर देना है, उसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ से प्रॉपर चेक कर लेते हैं नंबर अपना बरोबर सही है यानी सेंड कर देते हैं। वेरिफिकेशन कोड जीमेल हमारे मोबाइल के अंदर भेज देगा, तो हमें यहाँ पे इनपुट करना है वही कोड। तो यहाँ से डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद में गेट मोर फ्रॉम योर नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें यस आई एम इन कर लेते हैं। नीचे की तरफ में यस आई एम इन करने के बाद में यहाँ से जो है नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ से एग्री कर लेते हैं। एग्री करने के बाद हमारा जो है जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक क्रिएट हो जाएगा जीमेल अकाउंट प्रॉपरली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है जीमेल अकाउंट ओपन हो चुका है। जीमेल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से जीमेल ओपन करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको DVR के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो आप जो है अपना DVR ओपन कर लीजिए। जैसे ही हम लोग DVR अपना ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जो है हमें राइट क्लिक करना है, मेन मेन्यू के अंदर आना है। मेन मेन्यू के अंदर हम अपना अपना DVR का पैटर्न पासवर्ड डाल के DVR को ओपन कर देंगे। जैसे ही DVR ओपन होता है, ऊपर की तरफ में लाइव है, प्लेबैक है, यहाँ पे सर्च दिया हुआ है, यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में चले जाना है। ऊपर की तरफ में सिस्टम है, सिस्टम को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो सेकेंड ऑप्शन नेटवर्क का मिल जाता है, फर्स्ट जनरल ऑप्शन है, सेकंड प्लेटफॉर्म एक्सेस है, थर्ड ऑप्शन ईमेल का हमें मिल जाता है। ईमेल के ऑप्शन में सर्वर ऑथेंटिफिकेशन मिलेगा, तो यहाँ से इसको अनेबल कर देते हैं। अनेबल करके यहाँ पे जो है जीमेल अपना डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं cctvulman87@gmail.com मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो हमने जीमेल अभी ओपन किया है उसी को डालने के बाद में पासवर्ड की जगह पर खाली रख के यहाँ पे SMTP सर्वर यानी के जो जीमेल का सर्वर रहता है उसको यहाँ पे डाल देना है, smtp.gmail.com यहाँ से एंटर कर लेते हैं। यहाँ से जो है SMTP पोर्ट जो है डाल देते हैं 587। तो यहाँ से डालने के बाद में इसको यहाँ से SSL को अनेबल कर लेते हैं, अटैच पिक्चर को भी अनेबल कर देते हैं, सेंडर डाल देते हैं। सेंडर हम लोग जो है DVR हमारा जो है सेंड कर ले रहा है। तो यहाँ पे DVR कहाँ है, माई शॉप में लगाए या मेरे घर पर लगाए, तो इसको यहाँ से कर देते हैं माई शॉप। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो नीचे की तरफ मैं सेंडर एड्रेस डालना है, जो हमने ऊपर डाला है नेम यूज़र नेम, वही ईमेल एड्रेस नीचे की तरफ में डाल देना है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं सिंपल सा इसको। तो यहाँ पे जो है सेंडर वही रहेगा जिसका ऊपर नाम रहेगा, तो सिंपल में। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट रिसीवर, यानी कि हम लोग तीन लोगों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि तीन जीमेल को ऐड कर सकते हैं।
प्रॉपर मैं फर्स्ट एक ही जीमेल को ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, तो उस जीमेल के ओनर का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं मेरे ईमेल पर ही सेंड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ उलमान। तो यहाँ से जो है रिसीवर एड्रेस डाल देते हैं, जो ईमेल पे हमें नोटिफिकेशन चाहिए अलर्ट वाली, तो वही ईमेल एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। सिंपल से यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में हमें जो है पासवर्ड डालना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए फिर से वही जीमेल आईडी के अंदर चलते हैं जो हमने ओपन की है। ओपन होने के बाद में जीमेल अकाउंट यहाँ पर हमें जो है अपने नाम के लोगो के ऊपर सेलेक्ट करना है। राइट की तरफ में आपको शो हो रहा है, यहाँ से मैनेज योर गूगल अकाउंट में चले जाते हैं ऑप्शन में। यहाँ से जो है फर्स्ट ऑप्शन होम, सेकंड ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा एंड प्राइवेसी, एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन सिक्योरिटी का मिल रहा है। तो यहाँ से सिक्योरिटी के ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ से नीचे स्क्रोल डाउन कर देते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में हाउ यू आर साइन इन टू गूगल, तो यहाँ से टू स्टेप वेरिफिकेशन को हमें ऑन कर देना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में नीचे चले जाते हैं, गेट स्टार्टेड कर देते हैं इसको। यहाँ से स्टार्टेड करने के बाद में यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर डाल देते हैं। वही मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि फिर से हमें वेरिफिकेशन कोड आने वाला है। तो प्रॉपरली वेट कर लेते हैं वेरिफिकेशन कोड का। तो यहाँ पे जैसे ही वेरिफिकेशन कोड आता है तो इसको यहाँ से डालने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करके हमें जो है यहाँ पे जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो सिंपल में टर्न ऑन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। टर्न ऑन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में हमारा जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो हमें सिंपल में वही टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऑप्शन को जो है क्लिक कर लेना है, ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन कर देंगे यहाँ पे जो है फर्स्ट नीचे की तरफ में ऐप पासवर्ड दिख रहा है, तो ऐप पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है एंटर ऐप, यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग DVR में ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल में DVR डाल देते हैं ऑप्शन। तो यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद में यहाँ पे प्रॉपरली हमें एक पासवर्ड शो हो जाएगा ऊपर की तरफ में, योर ऐप पासवर्ड फॉर योर डिवाइस करके यहाँ पे ऊपर की तरफ में शो हो रहा है। तो वही पासवर्ड को हमें कॉपी कर लेना है प्रॉपर तरीके से। तो आप वहाँ पर जो है पेन पेपर से उसको जो है लिख दीजिए कि आपका जो पासवर्ड है क्या शो हो रहा है। जो हमें वहाँ पे पासवर्ड शो हो रहा था, तो सिंपल में वही पासवर्ड को हमें यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे प्रॉपरली देख लेना है, स्पेस थोड़ा सा भी नहीं रखना है, और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही यहाँ पे जो है टेस्ट कर लेते हैं हम लोग प्रॉपरली हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल टेस्ट सक्सेस करके दिखा रहा है, यानी कि हमारा ईमेल यहाँ पे DVR के अंदर फिक्स हो चुका है। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हम लोगों को ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। अभी यहाँ पे आपका सक्सेस दिखा रहा है, तो प्रॉपरली आपका ईमेल आईडी सेट हो चुका है। या आपको वहाँ पर DNS सर्वर एरर दिखा रहा है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सिंपल में प्लेटफॉर्म एक्सेस में और ऊपर की तरफ में जनरल में चले जाते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ में DNS सर्वर ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो DNS सर्वर ऑप्शन में हमें जो है प्रॉपरली DNS सर्वर आईडी को डालना है। तो यहाँ पे जो है DNS सर्वर को डाल देते हैं 8.8.8.8, यहाँ पे जो है हिकविजन का DNS सर्वर है, तो 8.8.4.4 कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। या आपका DHCP अनेबल रहेगा तो उसको यहाँ से DNS सर्वर को ऑफ करके और एक बार वहाँ पे 8.8.8 डाल दीजिए। अप्लाई करने के बाद में प्लेटफॉर्म एक्सेस में एक बार चेक कर लीजिए कि सर्वर IP जो है बरोबर है या नहीं, सर्वर एड्रेस बरोबर है या नहीं। सर्वर एड्रेस आपका अगर ठीक है तो यहाँ से ईमेल में चले जाते हैं, यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद में फिर से आपको जो है प्रॉपरली उस प्रॉब्लम नहीं होगी, ईमेल आपका फिर से सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हमें जो है मेल जो है अपने DVR के अंदर ऐड करना है, किस तरह से हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।